गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पेड़ पौधों में प्राण। सबसे पहले हम इस पाठ को ठीक से पढ़ना सीखेंगे, पहले 2-3 बार अभ्यास करेंगे और जब अच्छे से अभ्यास हो जाएगा तब आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर हमें भेजेंगे। माँ, मुझे जुखाम हो रहा है, मेरे लिए तुलसी अदरक की चाय बना दो। मैं अभी पत्तियां तोड़कर लाती हूँ, कहती हुई मनीषा सीधे बगीचे की ओर भागी। रुको मनीषा, रुक जाओ, तुलसी की पत्तियां मत छूना, संध्या के समय पेड़ पौधों के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। मैंने तुलसी की पत्तियां सुखाकर रखी हुई हैं, उन्हीं से तुलसी अदरक की चाय बना दूंगी, माँ ने कहा। मनीषा हंसने लगी, बोली, माँ पढ़ी लिखी होकर भी आप ऐसी बातें करती हैं? माँ ने कहा, नहीं बेटी, मैं तो विज्ञान द्वारा सिद्ध बात ही कर रही हूँ, पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह, वे भी रात को आराम करते हैं, हमारी तरह उन्हें भी प्यास लगती है, इसीलिए तुम गमलों में रोज पानी देती हो। हाँ माँ, मनीषा ने कहा, बेटी आज से 100 वर्ष पूर्व तक लोग मानते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता, वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, परंतु हमारे ही देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। उन पर भी हमारी तरह सर्दी, गर्मी और विष आदि का प्रभाव पड़ता है, वे भी अन्य प्राणियों की तरह खाते पीते, सोते जागते, हंसते रोते, काम करते और आराम करते हैं। पर माँ, ये वैज्ञानिक थे कौन? मनीषा ने उत्सुकता से पूछा। जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का पता लगाया था। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया था कि सभी जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधों के भी दिल, धमनियाँ और तंतु होते हैं। जगदीश चंद ने कई यंत्र भी बनाए, इनसे यह देखा जा सकता था कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, वे रात को सोते हैं और दिन होने पर उठते हैं। एक बार कई विदेशी वैज्ञानिकों की सभा में उन्हें अपनी बात सिद्ध करने को कहा गया। डॉक्टर जगदीश चंद बसु को पौधे पर विष डालकर दिखाना था कि पौधा इससे मर जाता है, पर जब विष डाला गया तो कुछ भी नहीं हुआ। सभी डॉक्टर बसु पर हंसने लगे, वे जरा भी न घबराए, उन्हें अपनी बात पर इतना विश्वास था कि विष की शीशी में बचा पूरा विष स्वयं पी गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सभा को बताया कि शीशी में विष नहीं, कुछ और होगा। फिर विष मंगवाकर एक पौधे पर डाला गया, पौधा सबके देखते देखते मुरझा गया, बेजान हो गया। सभी आश्चर्य से देखते रहे। उन्होंने डॉक्टर जगदीश चंद्र की इस खोज के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की। माँ ने समझाया। मनीषा बोली, हमारे बगीचे में कुछ पौधे और फूल रात को मुरझा जाते हैं और सुबह होते ही फिर से ताजे हो जाते हैं, क्या वे रात को आराम करते हैं? हाँ बेटी, पौधे रात को आराम करते हैं, उन्हें इस समय जगाना ठीक नहीं। चलो अब बनाएं तुम्हारी तुलसी अदरक की चाय, माँ हंसते हंसते बोली।
तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें पेड़ पौधों को संध्या के समय नहीं छेड़ना चाहिए, उनकी पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है।